हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सोया चंक्स कटलेट कबाब कैसे बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोया चंक्स कटलेट कबाब बनाने की सामग्री है 50 ग्राम सोयाबीन बड़ी। इसे 30 मिनट पहले पानी में भिगो लेना है, गुनगुने पानी में भिगोए। हमने देखिए 30 मिनट पहले इसे भिगो लिया था, अब हमने पानी से निकाल लिया है। एक चम्मच कॉर्नफ्लोर, एक चम्मच मैदा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, एक चम्मच अमचूर पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर, तेल, और ब्रेड को हमने क्रश कर लिया है, एक चम्मच बेसन, 3 उबला हुआ आलू, कटा हुआ प्याज, 1 कटा हुआ हरा धनिया बारीक, 1 हरी मिर्च कटी हुई और अदरक कटा हुआ। सोया बड़ी को मिक्सी में हम दरदरा पीस लेंगे। बिना पानी के हमने सोया बड़ी को मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे। बाउल में सबसे पहले हम सोया डालेंगे पिसा हुआ, आलू डाल देते हैं, आलू को ऐसे क्रश कर लेना है, प्याज डाल देते हैं, अदरक डाल देते हैं, धनिया पत्ता कटा हुआ, हरी मिर्च, बेसन, बेसन को भी हमने इसमें डाल दिया है। अब सारे मसालों को हम इसी में मिक्स कर लेते हैं। अब सारे मसालों को हम इसी में मिक्स कर लेते हैं। हमने सारे मसालों को मिक्स कर लिया है। अब हम इसका कटलेट बना लेंगे। अब हम कटलेट बना लेते हैं। सबसे पहले हमने हाथों में तेल लगा लिया है। अब इस तरह लेंगे, राउंड शेप में हम कटलेट बना लेंगे। हमारा कटलेट बनके तैयार है। अब हम इसे सेलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करना है। गैस को हमने ऑन कर लिया है, पैन को हमने रख दिया है। जब तक हमारा पैन गर्म हो रहा है तब तक हम एक चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे और एक चम्मच मैदा, इसमें हम थोड़ा पानी मिला लेते हैं। पानी मिलाने के बाद इसका एक पतला घोल बना लेंगे। ऐसे पतला एक घोल बना लेंगे और अब हम पैन में तेल डाल देते हैं। अब हम कटलेट को लेंगे और ऐसे इसमें डुबोएंगे। घोल में आपको डुबा लेना है। डुबाने के बाद ब्रेड का चूरा लेना है, उसमें इस तरह से चारों बाजू से लगा लेना है। लगाने के बाद तुरंत ऐसे तेल में रख देना है। दूसरा भी हम इसी तरह से घोल में डुबा लेंगे। डुबाने के बाद हम ब्रेड का चूरा जो है चारों बाजू से ऐसे लगा लेंगे। लगाने के बाद इसी तरह से तेल में रख देंगे। कटलेट को हम जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसे सेक लेंगे। धीमी आंच पे आपको सेकना है। गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसे हम पलट लेते हैं। इसी तरह हम सारे पलट लेंगे।
और इस तरफ से भी जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम सेक लेंगे। कटलेट गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसे हम प्लेट में टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। सोया चंक्स कटलेट कबाब बनके तैयार है। दोस्तों इसे आप भी जरूर बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।